माता की, और जो देखने वाले लोग हैं आपके उनको भी जय माता की। सबसे पहले आज आप सबको पता है कि नौमी का पर्व है, माता जी का आज लास्ट दिन है। जिस दिन हम माता जी के नवरात्रे जो लोग रखते हैं वो पूरे के पूरे आज लास्ट दिन है माता जी का। सब लोग अपने यहाँ हवन करते हैं, कंजिकाओं को जिमाते हैं और उसके बाद माता जी को विदा करते हैं। कल हमारा ये होगा कि हम कल, क्योंकि दसवीं है तो कल माता जी का विसर्जन भी हम यहीं पे करेंगे। और आपने देखा कि हमारे बीच में बहुत सारे जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, एक एक करके वीआईपी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। और मैडम हमारे साथ हैं, निहारिका जी, निहारिका मैडम साथ में हैं। सब अपना अपना परिचय दें। सबसे बड़ी चीज़ है ये माता जी जो हमने रखी है, पहले आप लोग गणपति भी में आए हैं और सभी लोग आए हैं यहाँ पे। गणपति भी हमने इको फ्रेंडली गणपति रखे थे जो 25 फीट के थे, और ये माता जी भी इको फ्रेंडली माता जी हैं जिनको हमने यहाँ पे ही बनाया है और यहीं पे हम इनका विसर्जन करेंगे। ये 15 दिन में माता जी हमने बनाई है यहाँ पे, और बनाने वाला भी आपके सामने है जिसने ये बनाया। बप्पा भी उन्होंने बनाए थे और माता जी का भी उन्होंने ये किया है, और हम विसर्जन भी यहीं पे करेंगे जो सभी लोगों को दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग, जो हमारा एम है इको फ्रेंडली गणपति, इको फ्रेंडली माता जी, घर घर मोदी तो घर घर इको फ्रेंडली गणपति और माता जी। तो आप सबसे यही मेरी ये है कि आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं या आगे देखेंगे या सुनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक काम करिए, पूरे समाज के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि आप अपने घर में माता जी रखते हैं, गणपति रखते हैं, आप इको फ्रेंडली का एक माता जी और गणपति रखना शुरू करिए, तो हम जो हमारे आने वाला जनरेशन है उसको हम बहुत बड़ी सपोर्ट दे सकते हैं। मेरी आप सबसे, पर्यावरण के लिए हम सब लोग बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड बोलता है, पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, यानी जो देखेंगे या सुनेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक आदमी एक काम करे, देखिए मैंने शुरू किया, मैं चाहता हूँ सब ये शुरू करें। तो आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे यही है कि वो अपने घर में इको फ्रेंडली माता जी और गणपति लेके आए। धन्यवाद। प्लीज, मैं बस ये कहूँगा कि अरुण जी से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमें यहाँ पर आकर, कि कैसे हम लोगों को समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। आज जैसे कि लास्ट डे है, और लास्ट डे हम सभी कन्याओं को बुलाते हैं, उन्हें भोज कराते हैं, पर आज मैंने यहाँ पर कन्या, आपने कहा था सर 101 के पर आज 101 से ज़्यादा कन्या देखने मिली। हाँ। और अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारी माताएं, उनका दर्शन आपके जरिए हुआ और तीन देवी हमारे साथ बैठी हुई है, तो इन्हें प्रणाम करता हूँ मैं। साक्षात तीन देवी आप देखिए, इनको नजर से देखिए, आपको इनमें काली भी मिलेगी, दुर्गा भी मिलेगी, सरस्वती माँ भी मिलेगी, तो इन तीनों को प्रणाम। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर, बस आप जो भी कर रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं भी अगर हमारा कुछ योगदान होगा, हम कलाकारों का योगदान होगा, तो डेफिनेटली हम आपके साथ में हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी जानते हैं जब तक मेरे अंदर मोदी जी नहीं आएंगे तब तक मेरी बात पूरी नहीं होती। धन्यवाद जी। मैं यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी का कि वो हमें इतने प्यार से बुलाते हैं। उन्होंने गणपति पे भी बुलाया और इस बार मैं पहली बार यहाँ इनकी जो दुर्गा पूजा है, जो आज नवमी है, उसका भी हम लोग जश्न मना रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है और 9 दिन पूजा बहुत सुंदर रही है। कल विसर्जन है, मैं आप सब लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद देना चाहूँगी कि दुर्गा माँ से हम लोग हमेशा शक्ति का और हमेशा तीज का और बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स लें हम हमेशा दुर्गा जी से। सो दैट्स माई विश। थैंक यू। ऐसे नवरात्रि मतलब बहुत ही एक माता जी की आराधना के साथ, शक्ति पूजा के साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है। गरबा खेलो माता जी की, वो कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अरुण जी बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते से, नमस्ते से, नमस्ते से, नमो नमः। इसलिए धन्यवाद कि आज माता जी की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मूर्ति के साथ 101 और माता जी के दर्शन हो गए। हम तीन माता जी के विराजमान है और हम सब आप भगवान से, माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और सब धन संपत्ति महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली माँ की कृपा हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद।
मैं उर्वशी सोलंकी, सबसे पहले तो अरुण जी को, नमो नमः संगठन को और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे भक्त को जय माता जी कहूँगी। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और कहते हैं कि जब तक कन्या पूजा नहीं होती ना तब तक माँ की आराधना, माँ की अर्चना संपूर्ण नहीं होती। और अरुण जी के थ्रू और नमो नमः संगठन के थ्रू हमें ये मौका मिला कि एक साथ 101 कन्याओं की हमने पूजा की, उनको भोजन किया। क्योंकि कहते हैं कि इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सारी छोटी छोटी कन्याएं माँ का रूप होती है, वैसे तो सारी स्त्री माँ का रूप होती है, तो उनकी इज्जत करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको खाना खिलाएं और इनको पूजा करें और इसी से ही माँ प्रसन्न होती है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हर एक स्त्री की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और आज अरुण जी के थ्रू हमें ये बहुत बड़ा मौका मिला। और एक दूसरी बात कि अरुण जी ने यहाँ पे 11 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई है, तो उनके साथ साथ हम सब लोग ये गुजारिश करते हैं कि गणपति हो या नवरात्रि, प्लीज़ इको फ्रेंडली मूर्ति ही बनाए, क्योंकि बाद में जो उनके विसर्जन के टाइम फिर उनके अंश रहते हैं वहाँ पे, वो देखना बहुत बुरा लगता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है और सबको जय माता दी, माँ शक्ति सबको शक्ति दे। थैंक यू। अब बोलिए ना, ये अध्यक्ष ने बोला। नमस्कार, मी दिनेश गोसावी, मी नमो नमः संघटन प्रजा मुंबई अध्यक्ष आणि प्रवक्ता आहे। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार साहेब यांच्या वतीने आज साजरा केलेला आहे। आज 9व्या दिवशी निमित्त 101 मुलींना शाळेचं असणारं किट वाटप इथे केलेलं आहे। 101 मुलींना बोलवलं होतं, पण देवीच्या कृपेने अजून बऱ्याच मुली पण आल्या आणि मुलंही आले, त्यांना सुद्धा शाळेचं किट वाटप केलेलं आहे। विशेष म्हणजे या मूर्तीमध्ये चांदोली विधानसभामध्ये 12 फूट उंचीची असणारी इको फ्रेंडली मूर्ती ही एकच आहे। संपूर्ण मुंबईमध्ये मी सर्व मंडळांना, भक्तांना विनंती करेल की त्यांनी इको फ्रेंडली गणपतीची मूर्ती आणि नवरात्रीची देवीची मूर्तीची स्थापना करावी, जेणेकरून पर्यावरणावरती चांगला एक त्याच्यावर प्रभाव पडेल। आणि ही जी मूर्ती तुम्ही बघताय, जय अरुण कुमार साहेबांनी इथे स्थापित केली आहे, या मूर्तीची स्थापना जागेवरतीच झालेली आहे आणि या मूर्तीची विसर्जन सुद्धा याच जागेवरती होणार आहे। त्याचं कारण असं की विसर्जनच्या वेळेला रोडवरती तुम्ही बघत असाल की विसर्जनाच्या दिवशी खूप ट्राफिक होते, खूप ॲम्ब्युलन्स वगैरे यांना अडथळे निर्माण होतात, त्यासाठी अरुण कुमार साहेबांनी असा रण केला की जागेवरती स्थापना आणि जागेवरतीच विसर्जन ही असणारी ही जी संकल्पना आहे ही संपूर्ण मुंबईमध्ये अंमलात यावी अशी आपण सर्वांनी विनंती करूया। आणि नमो नमः संघटनच्या ट्रस्टच्या वतीने भविष्यामध्ये काही कुठल्या लोकांना, गरीब लोकांना काही मदत लागत असेल तर अरुण कुमार त्यांची व टीम सर्व आम्ही त्यांची सोबत असू आणि तुम्ही सुद्धा आम्हाला असं सहकार्य कराल। आणि आज या 9वीच्या निमित्त लोकचं सुद्धा कार्यक्रम इथे आयोजित केले आहे आणि आलेले सर्व कलाकार मंडळी त्यांचं सुद्धा आम्ही नमो नमः संघटन ट्रस्टच्या वतीने आम्ही त्यांनी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आणि आमच्या सोबत आज मान्यवर सुद्धा इथे आलेले अनुप साहेब आहेत, त्याशिवाय शंकर साहेब सुद्धा आहेत आणि मूर्ती ज्यांनी बनवली ते मूर्तीकार सुद्धा इथे बसलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करेल की त्यांनी मूर्ती और नमो नमो संगठन ट्रस्ट के कर्ता धर्ता अनिल शर्मा जी को तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है, ना केवल सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, कि हमारी संस्कृति और हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करते वक्त पर्यावरण का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसकी उन्होंने मिसाल कायम की है ये इको फ्रेंडली गणपति की और माता जी की मूर्ति के द्वारा। सो जिन्होंने मूर्ति बनाई वो भी हमारे साथ में है, सो मैं एक इंस्पिरेशन के तौर पे मैं उनको लेता हूँ और सभी ने लेना चाहिए कि ये परंपरा कायम यहाँ से होनी चाहिए। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया और उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। जय माता की। और मुझे रिक्वेस्ट किया है दो लाइन सुनाने के लिए, सो मैं जस्ट सिंग फॉर एवरीबॉडी। तेरे दरबार में आने में मजा आता है, तेरे दरबार में आने में मजा आता है, हमें तो तेरे बुलाने में मजा आता है। दर दर पे तेरा दरबार लगे, हर दर पे तेरे हो दीवाने, वो माता नजर है नूर जहां, हर दिल में तेरे हो अफसाने। दर दर पे तेरा दरबार लगे। जय माता, जय माता। आलेले आहे त्यांना सगळ्यांना नमस्कार।
अरुण सर्वांनी जे आम्हाला हा मौका दिलेला आहे इको फ्रेंडली मूर्ती बनवायचा, सर्वांना माझं निवेदन आहे की सर्व मंडळांनी इको फ्रेंडली गणपती इको फ्रेंडली देवी बनवावी, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारच्या पर्यावरणामध्ये प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेऊन सर्वांनी करावी, हीच इच्छा आहे. सरकार कहना ये है कि अगर आप लोग जितना इको फ्रेंडली गणपति या कोई भी देवी कोई भी आप मूर्ति बनाते हो तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा. तो ये इन्होंने जो मेहनत की है, इनकी मेहनत रंग लाई है, बहुत प्यारी सुंदर मूर्ति बनाई है सर आपने, कमाल की मूर्ति है. इससे पहले मैंने गणपापा की मूर्ति देखी थी, कमाल की थी, 25 फीट की थी. तो एक बार सर के लिए ये कहूँगा कि बस गणपति बप्पा जय माता की. आप पर नहीं ऊपर आशीर्वाद.